फिर आए हैं आपके सामने अपने चैनल में एक नई रेसिपी के साथ। जो आज हम बनाएंगे उस रेसिपी का नाम है पनीर पसंदा। पनीर पसंदा बनाने के लिए हमें इन सामग्री की आवश्यकता है। पनीर 250 ग्राम, दूध 1 कप, क्रीम आधा कप, पोस्ता दाना 1 छोटी चम्मच, बादाम 7 से 10-12, काजू 10, कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, सॉस 2 छोटी चम्मच, चीनी 1 छोटी चम्मच, गरम मसाला 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी आधी छोटी चम्मच, हमें लहसुन की 10 से 12 कलियां चाहिए और 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक, कस्तूरी मेथी 2 चम्मच, प्याज 2 से 3। अब हमने इनमें गरम मसाले तेज खड़े डालने के लिए तेज पत्ता 2, बड़ी इलायची 2, जावित्री के 2 फूल, 1 दालचीनी की टुकड़ा और काली मिर्च की 3 से 4, लौंग 4 से 5 और 2 छोटी इलायची और धनिया ली है। पनीर हमें ऐसे काटने हैं कि इसके अंदर हम भरेंगे। ये देखिए मैंने काटे भी हैं और सब जुड़े हुए हैं आपस में। ये देखिए हमने प्याज टमाटर काट लिया है। अब हम इसमें थोड़ा लहसुन 7-8 कलियां, अदरक आधा टुकड़ा पूरा, 2 हरी मिर्च डाल देंगे और बाकी ये जो हमने खड़े मसाले रखे थे वो इनको डाल के हम उबाल लेंगे पानी में, ताकि ये प्याज टमाटर एक साथ वो हो जाए, थोड़ा गल जाए। ये देखिए हम पानी में डाल रहे हैं, इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, आधी छोटी चम्मच मैंने नमक भी डाल दिया है। अब ये बॉईल हो रहा है, तब तक हम पनीर को स्टफिंग का मसाला तैयार कर लेते हैं। पनीर की स्टफिंग के लिए हमें काजू और बादाम डालना है और हमें प्याज टमाटर में भी 3 से 4 बादाम और 3 से 4 काजू भी डालने हैं। इसमें हम थोड़ा सा लहसुन 2 से 3 कली, अदरक और 1 छोटा चम्मच पोस्ता दाना डालना है, थोड़ी सी धनिया, थोड़ा कलरफुल लगेगा धनिया डालने से और अच्छा दिखने में लगेगा। अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। नमक भी पड़ेगा और थोड़ा सा गरम मसाला आधी छोटी चम्मच। ये देखिए ये ऐसा पीसना है थोड़ा सूखा, ताकि ये भरने में आसानी रहे। इसमें इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। हमारा पैन भी गर्म हो गया, अब इसमें हम तेल डाल रहे हैं जिससे हम इस पनीर को डाल के तलेंगे। तेल भी हमारा 1.5 कटोरी है ताकि पनीर अच्छे से तल जाए। पहले हमने फ्लेम तेज रखी है, अब हम इसे थोड़ा
तेज होने के बाद धीमा कर देंगे थोड़ी देर में। तब तक मैं बाकी सारे पनीर भर के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए हमने पनीर को इस तरह भर के किया था। अब हम इसको कॉर्नफ्लोर के घोल में वो करके तलेंगे। इस तरह करने से पनीर खुलता नहीं है और अच्छे से तल जाता है। मैंने जो प्याज टमाटर उबाला था उसे मैंने इस मिक्सी के जार में डाल दिया है और जो हमने फिलिंग भरी थी उसको भी मैं इस मिक्सी में डाल दे रही हूँ ताकि हमारी बची हुई फिलिंग भी यूज हो जाए। और जो हमने तेज पत्ता उबाला था उसे मैंने अलग रख दिया है जब मैं फ्राई कढ़ाई में। ये देखिए जो तेज पत्ता हमने रखा था निकाल के उबला हुआ वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हम ये बचा हुआ मटेरियल इसमें डाल दें। जो हमने प्याज टमाटर पीसा उसे अब हमने इसमें डाल दिया ताकि अच्छे से और भून जाए। अब हम इसमें थोड़ी सी मिर्च एक चम्मच छोटी, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर दो चम्मच, डाल के भूनेंगे। जो हमने आधी चम्मच हल्दी ली थी वो भी हम डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि मसाला थोड़ा लग रहा है। मसाला हिलाते रहिए ताकि वो लगे नहीं। अब इसमें हम एक कप जो दूध लिया था वो धीरे धीरे करके हिलाते हुए डालेंगे। ये दूध फटे नहीं। ये 2 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं इसका कलर कैसे आया। अरे देख कितना सुंदर कलर आया है और कितना खिल रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा
दो चम्मच टमाटो सॉस और एक चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी और टमाटो डालने से भी इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। कलर कितना अच्छा आया है आप देखिए। पनीर डाल के हम 2 से 3 मिनट ढक देंगे। थोड़ा धीरे धीरे हाथों से पनीर को थोड़ा पलट दीजिए ताकि मसाला अच्छे से बराबर से पूरे में मिल जाए। ये हमारी ग्रेवी काफ़ी अच्छी हो गई। अब हम इसमें थोड़ा पनीर डाल के 2 से 3 मिनट रख देंगे ताकि पनीर में भी मसाला अच्छे से पहुंच जाए। और कलर कितना अच्छा आया है आप देखिए। पनीर डाल के हम 2 से 3 मिनट ढक देंगे। थोड़ा धीरे धीरे हाथों से पनीर को थोड़ा पलट दीजिए ताकि मसाला अच्छे से बराबर से पूरे में मिल जाए। इसको हम 2 से 3 मिनट ढक देते हैं। अभी 2 से 3 मिनट हुए हैं। हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाल देते हैं। कस्तूरी मेथी डालने से भी स्वाद और अच्छा बढ़ेगा। बहुत धीरे धीरे हाथों से करिए ताकि पनीर ना खुले। आप चाहें तो कस्तूरी मेथी पहले भी डाल सकते हैं ताकि वो मसाले में भी और भुन जाए। देखिए हमने इसको इस बोल में परस लिया। अब हम इसमें अच्छे से गार्निशिंग करेंगे ताकि हमारी सब्जी देखने में और भी सुंदर लगे। ये देखिए पहले हमने धनिया की पत्ती डाली है थोड़ी, थोड़ा पनीर ग्रेट किया हुआ जो हमने ग्रेट किया है अभी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। ये देखिए हमने क्रीम भी इस तरह डाल दिया है ताकि हमारी सब्जी और भी सुंदर लगे। ये देखिए हमारी सब्जी